झारखंड पार्टी का केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन आज राजधानी रांची के डीपीएस चौक स्थित कार्निवल में हुआ। इस महाधिवेशन में झापा के केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का, कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता अजीत कुमार सहित पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद चित्रसेन सिंह को अपने समर्थकों के साथ आज झापा पार्टी में शामिल हो गए। इस कार्यक्रम में झापा के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। झापा के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ कर रही है। चुनाव में जनता से किए वादे को निभाने में हेमंत सरकार नाकाम रही है। हमारी पार्टी का लक्ष्य राज्य के युवाओं का विकास करना है, इसलिए आने वाले दिनों में मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं बल्कि लड़वाऊंगा। दो पूर्व सांसद झापा में शामिल हो रहे हैं, क्या मानते हैं? देखिए, आज झारखंड पार्टी का लोग विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं सर, और झारखंड पार्टी थर्ड फ्रंट के रूप में उभर के आ रही है, और झारखंड पार्टी के बगैर किसी का कोई चलती नहीं चलेगा। और झारखंड पार्टी को हम लोग निश्चित रूप से हम लोग सोच रहे हैं कि आगे हर हालत में हम लोगों को बढ़ाना है। और आज बहुत दिन से हम लोग यहाँ पर मेरा बंदीगिरी में रहने के कारण से जो झारखंड पार्टी में थोड़ा सुस्त था, लेकिन अब झारखंड पार्टी राष्ट्रीय पार्टी से भी ऊपर रहेगा। और सिर्फ ये चमत्कार देखिएगा आज से कि जितने लोग आज हैं कांग्रेस बीजेपी सभी लोग झारखंड पार्टी पर ही शामिल होंगे, और झारखंड पार्टी का गति बहुत तेज से बढ़ने लगेगा। आपकी गैर मौजूदगी में पार्टी का जो कमाल लोगों ने संभाल कर रखा हुआ था, पार्टी का इमेज कहीं डाउन नहीं होने दिया, क्या मानते हैं? कितना आपको कर्जदार लोगों ने बना दिया? देखिए, निश्चित रूप से हम थे नहीं थे, लेकिन पार्टी में और लोग थे, पदाधिकारी थे, वो लोग झारखंड पार्टी को सींचने का काम किया है। जो भी सेंट्रल कमेटी के जो लोग पदाधिकारी हैं वे बहुत संघर्ष किए झारखंड पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए। हम उनको धन्यवाद देते हैं कि वो लोग आज झारखंड पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। अब फिर हम दोबारा आ गए हैं तो निश्चित रूप से झारखंड पार्टी को दोगुना शक्ति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनों से का किंग मेकर होगा? देखिए, यहाँ झारखंड पार्टी में सब किंग मेकर होता है, है कि नहीं? क्या महाधिवेशन है, दो दो पूर्व सांसद ज्वाइन कर रहे हैं? देखिए, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होता है जो अधिवेशन है, परंतु राज्य की वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार से यहाँ लूट खसोट चल रहा है, काफ़ी सारे नेता, चाहे वो पूर्व सांसद हों या पूर्व विधायक हों, सभी विधानसभा क्षेत्रों से या लोकसभा क्षेत्रों से हमारी पार्टी में आने के लिए उत्सुक हैं, और धीरे धीरे करके लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। पूरे राज्य के लोग एक स्पष्ट और ईमानदार विकल्प चाहते हैं, और लोगों के जहन में है कि झारखंड पार्टी ही एक ऐसा विकल्प हो सकती है जिसको उन्होंने टेस्ट नहीं किया है, जिसकी जांच नहीं की है उन्होंने। और सबों के जहन में है ये बात कि झारखंड राज्य एक अलग राज्य के रूप में जो संकल्पना या परिकल्पना जिस पार्टी ने की थी वो झारखंड पार्टी ही है, और झारखंड पार्टी का एक इतिहास रहा है। इन्होंने एक सुलझे तरीके से, एक ईमानदार तरीके से अपनी राजनीति की। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं जब राज्य को एक विकल्प चाहिए, और ऐसा विकल्प चाहिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जैसी सरकार, जो भ्रष्टाचारी सरकार है, लूट खसोट की सरकार है, इसको उखाड़ के फेंके, इसको बाहर किया जाए शासन से, यही लोगों के मन में है। इसलिए हमारी पार्टी में काफ़ी सारे नेता अब जुड़ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि आगामी 1.5 वर्ष जो है चुनावों के लिए, तब तक परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी, और आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा का यहां पे कोई नामो निशान नहीं बचेगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।